हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने डिप्रेशन ब्रिजिंग पॉइंट की थ्योरी डिस्कस की थी, जिसमें अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब उससे रिगार्डिंग अपन कैलकुलेशन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। डिप्रेशन इन ब्रिजिंग पॉइंट, देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ डेल्टा पी, दैट इज द लोअरिंग ऑफ प्रेशर, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ इट इज द लोअरिंग वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सेम एज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? क्योंकि सीधा इससे रिलेशन है, राइट? जितना भी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है उसी अकॉर्डिंग अपने पास में क्या ऑब्टेन हुआ था, डिप्रेशन इन ब्रिजिंग पॉइंट। दोनों क्या होगा आपका, इक्वल होगा। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको अपन आगे सोल्व करते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक्स बी। क्लियर? जहां पर क्या क्या है, के क्या है आपका, के क्या है कॉन्स्टेंट है। जब भी आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन अपन यहां पर रिमूव करते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट अपन यूज करते हैं। एक्स बी आप सब जानते हो मोल फ्रैक्शन, मोल अपॉन टोटल मोल, तो मोल अपॉन टोटल मोल किससे लिखेंगे अपन, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अब यहां पर xb की वैल्यू अपन पुट अप करते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहां तक क्लियर है सबका? कंडीशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या अपने पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन हो उस कंडीशन के लिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लेस देन क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट वेरी वेरी लेस देन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्लियर? क्योंकि अपने पास में ये वाली जो टर्म है इसको अपन ने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल हो गया आपका ये। क्लियर? क्या होगी ये, नेग्लिजिबल हो गया। तो अपने पास में आगे क्या जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? सीधी सीधी कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन है। वहां पे टीबी था या टी एफ है, वहां बोरिंग पॉइंट से रिगार्डिंग था, यहां पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट से रिगार्डिंग है। क्लियर? आगे बढ़े इस कैलकुलेशन में, आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास टर्म थी डेल्टा टी एफ इक्वल टू के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्लियर?
इसको अपन के इंटू एम ए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए क्लियर। इसको मैंने ऊपर कर दिया आपका एम ए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एम ए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहां पर देखिए बेटा कुछ टर्म अपन यहां पर रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे। देखिए यहां पर अपन के इंटू एम ए को लिखेंगे यहां पर के एफ, क्या लिखेंगे के एफ जो क्या है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। क्लियर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट क्लियर। और आपका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इसको अपन किससे रिप्लेस करेंगे मोलेलिटी से, किससे करेंगे मोलेलिटी से, इसको अपन लिखेंगे किससे स्मॉल एम से, इससे लिखेंगे बेटा इसको स्मॉल एम से। तो देखिए ये वाली टर्म आपकी रिप्लेस होगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, के एफ क्या है आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट क्लियर। और ये वाली जो टर्म है इसको अपन ने किससे स्मॉल एम मोरलिटी से क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। इक्वेशन नंबर वन यहां पे क्लियर है सबका। अब इस डेरिवेशन में अपन क्या करेंगे, अपन को क्या फाइंड आउट करना होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो फाइनली आता है अपने पास में क्या आता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इस मोलरिटी के कंप्लीट अपन यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला होगा। देखिए बेटा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, वापिस वही फॉर्मूला होगा बट उसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा, क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। इंटू 1000 ये अपने पास फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में 1000 क्यों यूज किया ये डाउट आपको हो सकता है पिछली क्लास से ही हो, उस टाइम में बता नहीं पाया आपको कि 1000 यहाँ पर इस सेंस में लिया है कि आपकी जो मोलेलिटी की डेफिनेशन याद करो आप, मोलेलिटी की डेफिनेशन वो क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो अपन जो डेफिनेशन क्लियर की है उसमें आपका जो सॉल्यूट लिया है आपका, सॉरी जो सॉल्वेंट लिया है आपका वो आपका ग्राम में है, उसको अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 1000 यहाँ पर यूज कर रखा है, आपको जो भी ग्राम में वैल्यू गिवन हो वो एट इज इट इज पुटअप करनी है क्लियर, इसलिए यहाँ पर ये 1000 यूज लिया जाता है। अब जो अपना फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा फाइनल फॉर्मूला, देखिए इस फॉर्मूले से अपन इस वाले फॉर्मूले से यहां पर क्या निकालेंगे, देखो एम बी इज इक्वल टू, देखो एम बी क्या है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फाइंड आउट करना है आपको। एम बी इज इक्वल टू के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जिससे अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो अपन को रिलेशन भी देता है इक्वेशन नंबर टू गिव द रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बात क्लियर है। तो इसमें अगर अपने पास में सारी वैल्यू गिवन हो
तो अपन क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर। डेल्टा टी एफ आपको डायरेक्टली गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको अपन किस फॉर्म में निकाल सकते हैं, आपको सबको पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नोट माइनस क्या होता है टी एफ। टी एफ नोट किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, और टी एफ किसका है, सॉल्यूशन का। क्लियर। अब अपने पास में इक्वेशन टू से क्लियर हो गया, दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। अब यहां पर नेक्स्ट अपन वन धाप के अकॉर्डिंग इसमें के एफ एंड लेटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन में फॉर्मूला यहां पर अपन डिराइव करते हैं। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसका कोई डेरिवेशन नहीं गिवन है आपको, ओनली फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो के एफ इक्वल टू एम ए आर टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन इनटू 1000। क्लियर। ये फॉर्मूला आपका इसमें रिलेशन देता है के एफ और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, इसमें देता है आपका के एफ और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या फॉर्मूला है, एम ए इंटू आर इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू 1000, जहां पर के एफ क्या है, डिप्रेशन ब्रिजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, एम ए क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर क्या है आपका गैस कॉन्स्टेंट, टी एफ स्क्वायर क्या है आपका ब्रीजिंग पॉइंट ऑफ गिवन लिक्विड, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर। तो यहां से मैंने दो क्वेश्चन आपको नोट्स में गिवन है, उन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो पूछना। वैसे डाउट नाम की कोई चीज मैंने आपको इसमें रिमेनिंग नहीं की है। आई होप आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आई होगी, जो अपन को न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी, जो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।